नमस्कार, मैं भास्वती चक्रवर्ती आज जन सरोकार मंच से संयुक्त होकर आपके रूबरू। आप सबने चाहा कि मैं अपनी कविताएं आप तक पहुंचाऊं। जन सरोकार मंच टोंक को फिर से धन्यवाद देते हुए मैं अपना कार्यक्रम आरंभ करती हूँ। वैसे कविताएं सबके समक्ष लाने में दो देवेंद्र जी का हाथ रहा। ऐसा है कि एक देवेंद्र जी मेरे शहर में रहते हैं और दूसरे देवेंद्र जी टोंक से हैं। तो सिलीगुड़ी शहर में जो देवेंद्र जी रहते हैं वो शिक्षक भी हैं और मेरे अग्रज बंधु भी हैं। तो उन्होंने चाहा था कि मेरी कविताएं लोगों में सुनी जाएं, देखी जाएं। तो इस हिसाब से उन्होंने मुझे एक काव्य श्रृंखला कड़ी में जोड़ा था। उसी के तहत टोंक के देवेंद्र जी से मुलाकात हो पाई। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने कुछ बातें अपनी आपस में साझा की और राजकुमार रजक का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि बिना उसको जोड़े देवेंद्र जी तक शायद मैं ना पहुँच पाती। तो कविता की जहाँ तक बात है, मैं इनको कविता कहने में सकुचाती हूँ, क्योंकि ये मेरे डायरी के फटे पन्ने जैसे मुझे लगते हैं। आज जो पहली कविता मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहती हूँ वो है कविता मेरी बेटी। कविता मेरी बेटी है, मेरे सुख दुख समेटे साथ साथ सोई जगी अंतर मन में लेती है। कभी कभी ही ले पाती है जन्म, कभी कभी ही दिखता पूनम। उसकी सुबह और शाम में कम है सूरज, बहुत शबनम। बेटी है इसी माटी की, जहां आज भी पीछे ही धकेली जाती है। जन्मने को तरसती, पैदा हो नहीं पाती है। हर दम रात नहीं होती, हर पल नहीं होता अंधेरा। किसी ऐसी ही खुशहाल घड़ी में मेरी दुनिया चमकाती आती। मुझे लंबी दूरी की सैर पर ले जाती, सूनेपन में सुनहरे मोती भरती। मेरे साथ जीती मरती मेरी आत्मजा कविता। अब ये जो कविता है, ये कविता आप लोगों को ज़रूर बता देगी कि मेरी कविताएं कैसी होती हैं। ऐसी ही है मेरी कविता एक दूसरी, जो मेरे बहुत व्यक्तिगत अनुभवों के साथ जुड़ी है, लेकिन फिर भी आज साझा करने का वादा है तो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। ये दूसरी कविता है फलसफा, इसका नाम रखा है मैंने फलसफा। सुने, आज मैंने अपना मन बदल लिया, आज मैंने अपना मन बदल लिया, या यूं कहूं कि आज मैं बड़ी हो गई, या यूं कहूं कि आज मैं बड़ी हो गई। उस दिन की वो हरकत अगर न की होती तो तेरा कंगन माँ आज मेरे पास होता, तेरी निशानी। वो मेहराब सी नक्काशी जिसकी थी मैं दीवानी। मेरा उतावला मन पीड़ा में बहकर तेरी छिपी मजबूरियों को देख नहीं पाया। कितनी दुधारी तलवारें बिछी रहती हैं इस घिसी पिटी जिंदगी के बियाबान में। मैं कैसे जानूं तब तितली सी परिंदे सी मैं,
मुझे तो यही गम खा गया कि नहीं मिली नई जिंदगी में कदम रखने की दुआ तुझसे। पता तो था कैसा होगा बिना तेरी दुआओं के जीना, जवानी थी जोश था, दिल में कसक टीस ले चली हसीना। लंबी जिंदगी लंबे राह के मुसाफिर का फलसफा है, लंबी जिंदगी लंबे राह के मुसाफिर का फलसफा है, कितने कितने उतार चढ़ावों ने उसे गाढ़ा है। उस जिंदगी की छांव जब आज फट गई सर पर से, मन इस बेरहम धूप में घने रिश्तों की छांव को तरसे, मन इस बेरहम धूप में घने रिश्तों की छांव को तरसे, एक तरफ स्याह एक ओर सूना सफेद पन्ना। कितना अजीब सा तजुर्बा है बेटी को जन्मना, ऐसी बेटी जो आखिर तक पहुंच नहीं पाई, सुनती रही बाट जोहती माँ की कठिनाई। पता नहीं कब क्या सबसे ज्यादा होता है जरूरी, पता नहीं कब क्या सबसे ज्यादा होता है जरूरी, माँ से मिलाना या पूरी करना दी गई जिम्मेदारी। अपना जीवन तो उस कठपुतली सा लगता है, अपना जीवन तो उस कठपुतली सा लगता है जिसे कलाकार कभी रुलाता कभी हंसाता है, तमाशाई बन कितनी मुसीबतों में फंसाता है। इसी कशमकश में छिपा जीवन का बीज है, इसी कशमकश में छिपा जीवन का बीज है। सच कहा किसी दोस्त ने, बहुत दिन गुजारे बेटी बनकर, बहुत दिन गुजारे बेटी बनकर, अब माँ बन जाओ, जान लो दर्द में भी दुआ देते रहना क्या चीज है। समझ ही गए होंगे आप लोग कि मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा था, माँ के अंतिम क्षणों में मैं नहीं पहुंच पाई थी माँ के पास, तो वो कसक तो जितने दिन जीवन है उतने दिन रहेगी, कुछ कहा नहीं जाएगा उसके बारे में, और उसको बदलने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। ऐसा हुआ था कि कई ऐसे लम्हे आए जब लगा कि सारी दीवारें मुझे निगल जाएंगी, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मतलब जीने की जो चाह होती है, जिस लिए जीना चाहते हैं, कोई चाहता है कलाकार, तो वो जब बंद होने लगते हैं तो शायद कभी कहीं कोई खिड़की खुल जाती है या कहीं कोई ऐसा अवसर आ जाता है सामने, वो कहता है कि खड़े हो जाओ, उठो, हम देखना चाहते हैं तुम में कितना दम है। तो ऐसी एक मजबूरी थी, ऐसी एक कशमकश थी। तो हुआ ये कि हमें पता था कि अन्याय के विरुद्ध हम खड़े हैं, हमें न्याय चाहिए, लेकिन मन कसैला हुआ जाता था कि पता नहीं क्या होगा। तो उसी दौरान ये कविता निकली थी, अब जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें मुझे लगता है वो बात है जिसको आप छू सकेंगे। अब मैं अपनी तीसरी कविता को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कुछ कहो इन हवाओं से, कहो इतनी दूर की खबर लाएं जहां से मौत का जहान दिखाई न दिया करे। इन हवाओं से कहो इतनी दूर की खबर लाएं जहां से मौत का जहान दिखाई न दिया करे। उन लोगों से कहो इतनी दूर तलक जाएं जहां से दिलवालों की नजर भी लगा न करे। लगान वसूली कभी भी हो सकती है, लगान वसूली कभी भी हो सकती है, पर लगन से कभी खिलवाड़ न किया करें, पर लगन से कभी
खिलवाड़ न किया करें। खेल भर ही तो रह गई है जिंदगी, खेल भर ही तो रह गई है जिंदगी, इसका मजा यूं बार बार छीना न करें। तीन बूंद अशकों के आज कीमती बहुत हैं, तीन बूंद अशकों के आज कीमती बहुत हैं, उन्हें जरूर प्यार भरे दर्द में पिरोया करें। इन मोतियों की चमक कभी फीकी नहीं होती, इन मोतियों की चमक कभी फीकी नहीं होती, अरे मगरूर नमक से पानी को निकाला न करें, अरे मगरूर नमक से पानी को निकाला न करें। बड़ी लंबी रातों के बाद आए सवेरे पर यूं जबरन स्याह वीराना न बिछाया करें, बड़ी लंबी रातों के बाद आए सवेरे पर यूं जबरन स्याह वीराना न बिछाया करें। किसी के हाथों में दम हो तो उजाला लिखे, किसी के हाथों में दम हो तो उजाला लिखे, वरना अंधे काल को आतिश न कहा करें, वरना अंधे काल को आतिश न कहा करें। ये वो दौर था जब हम लोग न्याय की गुहार लगाते हुए सड़कों पर उतरे थे। अब एक कलाकार अपना प्रतिवाद कैसे प्रदर्शन कर सकता है, अपनी चित्रकारी में, अपनी कविता में, अपने नाटकों में, जैसा टोंक के लोग परिचित हैं, राजकुमार जी जैसे अपना काम करते हैं, उनके साथी लोग जैसे काम करते हैं, तो हमारे हाथों में उस समय कुछ चित्रकारों का सहयोग रहा, तो हमने चित्रकारी के माध्यम से वो प्रतिवाद दर्ज किया था। कि पहले सुबह तो काफी खुशहाल था, हमारे यहाँ का मौसम जैसा है, पहाड़ हैं, झरने हैं, हरियाली है, तो वो सब हमने चित्रकारी में दिया था। फिर जैसे जैसे चित्र पूरा हो गया, अचानक उस पर काले रंगों की बौछार कर दी गई, और वक्त ऐसा था कि उस समय बारिश भी हो गई, तो वो रंग धुलने लगे, काला रंग फैलने लगा, और जब वो काला रंग ठहरा तो उसमें हम लोगों ने कैद खाने की दीवारें बनाई। उसमें दिखाई दिया कोई अंदर बैठा है और सलाखें उसके सामने हैं, तो इस तरह से हमने अपना प्रतिवाद उसमें उस समय दर्ज किया था। और उसी की याद में ये कविता उस समय निकली थी, जिसने पता नहीं कितना प्रभाव छोड़ा होगा, पर मेरे मन में वो प्रभाव आज भी है। अब एक चौथी कविता मेरी, वो है बात। जब भी कुछ कहो, छोटी सी कविता है, जब भी कुछ कहो हर बात के अंदर एक और बात या कई कई बातें छुपी रह सकती हैं। जब भी कुछ कहो हर बात के अंदर एक और बात या कई कई बातें छुपी रह सकती हैं। अब उसे मानो न मानो, जानो या न जानो, अब उसे मानो न मानो, जानो या न जानो, कोई फर्क नहीं। कभी कभी फर्क पड़ता है, कभी कभी फर्क पड़ता है, जब कोई दोस्त उसे पहचान तुमसे लड़ता है, फर्क पड़ता है, तभी फर्क पड़ता है। ये छोटी सी कविता थी, इसमें बिल्कुल व्यक्तिगत कोई भावना ने काम किया होगा तो ये कविता निकल कर आई, और उसने काफी छोटे में कुछ बातें कह दी ऐसी कि लगा कि हाँ ऐसे कविता हम लिख सकते हैं। अब जो कविता आपको मैं सुनाने जा रही हूँ वो मेरी पहली कविता है ऐसी जो मुझे याद है, और इस कविता को जन्म देने के लिए दो और व्यक्ति जिम्मेदार हैं, एक हैं कबीर और दूसरे हैं गुलजार। तो गुलजार जी की कविताएं मैंने बड़े प्यार से पढ़ी हैं, सुनी हैं,
और कहा जाए तो मैं उनकी कायल हूं, शब्दों का इतना सुंदर समारोह कहाँ देखने को मिलता है बार बार। तो ये कविता भी मेरी व्यक्तिगत भावना है, सुने आप। दुखों की गांठें पड़ी हैं मेरे सारे ही रिश्तों में, दुखों की गांठें पड़ी हैं मेरे सारे ही रिश्तों में, वही दर्द भी होता है और टीस भी उठती है, वही दर्द भी होता है और टीस भी उठती है। कबीर मुझे जुलाहा बना दो, कबीर मुझे जुलाहा बना दो, कि बुन सकूं ऐसा ताना बाना जिसमें छिपे दर्द और उभरे रिश्तों का रिश्ता रस जिंदगी के कालीन के नक्शे पर। कबीर मुझे जुलाहा बना दो, कि बुन सकूं ऐसा ताना बाना जिसमें छिपे दर्द और उभरे रिश्तों का रिश्ता रस जिंदगी के कालीन के नक्शे पर। ये कविता मैंने एक मुशायरे में पढ़ी भी थी और मैंने, मुझे ये एक मीठी याद है जिसमें सुनने वाले एक होटल के भाई ने मुझे कलाई से पकड़कर कहा था, भाभी आओ एक चाय पीते हैं। एक चाय मुझे मिली थी पुरस्कार में, सर्दी के दिन थे, बहुत काम की चाय थी, बड़ी सुंदर थी चाय वो। अब जो कविता मैं पढ़ने जा रही हूँ उसमें भी कुछ ऐसा है जो व्यक्तिगत दिनचर्या में छिपा रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी उसमें एक अजीब सा खुशनुमा रंग आ जाता है। कुछ भी कहो सूनापन सताता है, कुछ भी कहो सूनापन सताता है, उस पुराने किले की कहानी बताता है जहां राजा बाजार नौकर चाकर और रोजमर्रा की झमाझम आकर सारा दिन गुजार जाते थे, तुम्हारे बिल्कुल अपने लम्हे तुमसे छीन दूर भाग जाते थे। आज सुबह की ही बात ले लो, सफेद जाली के पर्दे की छोटी सी झूलनिया में उड़कर आप हंसा एक सफेद कागज का फूल। आज सुबह की ही बात ले लो, सफेद जाली के पर्दे की छोटी सी झूलनिया में उड़कर आप हंसा एक सफेद कागज का फूल। उदास खामोश नजरें मिली तो बेलफ्ज गुफ्तगु होती रही। कब फिर शुरू हो ही गई रफ्तार, शाम को देखा तो वो मेरे बिस्तर पर, प्यार से छू लिया तो फसानों की रेल है, आज और कल का जीना कितना बेमेल। सोच भी गायब थी सिर से दर्द के बहाने, सोच भी गायब थी सिर से दर्द के बहाने, हथौड़े से लगते थे सारे लफ्ज सुहाने, कि अचानक जो नजर उठी ऊपर तो उसने झुलाया सर, बंधु कैसे हो आज दशहरा है, उसके सफेद में काफी हरा भरा है, उसके सफेद में काफी हरा भरा है, खिड़की अध खुली उस पर चांद भी अधूरा, खिड़की अध खुली उस पर चांद भी अधूरा, यही सच है कि दर्द कभी होता नहीं पूरा, यही सच है कि दर्द कभी होता नहीं पूरा। ये एक समय था जब अपने से रूबरू होकर कुछ बातें करने के लिए समय मिलता था, फिर ऐसा हुआ कि वही भगादौड़ी की जिंदगी और उसमें आप कैसे उलझ गए, आपका काम कैसे उलझा, ये नई बात हो गई। अब एक छोटी सी ऐसी कविता है जिसमें आप समझ लीजिए कि किसी से मुलाकात होने पर पहला जो तजुर्बा होता है, ये बिल्कुल एक कविता जैसा था, तो मैं अपने को रोक नहीं पाई लिखने से, तो मैंने ये कविता लिखी।
आप इसको मुलाकात नाम दे दीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अरे आप भी हैं, मुझे तो पता नहीं था। और धीरे धीरे स्वप्न लोक दाखिल हुआ मेरे भीतर। वो बहकाता सर्द सवेरा, बड़े दिनों के बाद शुभ्र सुंदर परोस गया। वो बहकाता सर्द सवेरा, बड़े दिनों के बाद शुभ्र सुंदर परोस गया। हल्की रोशनी, हरियाली, नम्र नीला परिधान, बहुभाषी वार्तालाप, मन भावन, निमग्न कामकाज, एक सुर में गा उठे सब, एक सुर में गा उठे सब। समरसता छा गई, धड़कने धन्य हो गई। समरसता छा गई, धड़कने धन्य हो गई। जन सरोकार मंच का हृदय से धन्यवाद, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने अपनी कविताएं पढ़ सकूं। अच्छा, अगली कविता जो है वो एक यात्रा का वर्णन है, थोड़ी लंबी कविता है, यात्रा का वर्णन है। उसमें हम लोग निकले थे, एक नाट्य संस्था की ओर से आमंत्रण था। उसी के साथ हमारी जो वर्णना है वो चली। दूर जाकर नाटक करने का अनुभव हमारा ये पहला था, तो हम लोगों ने वहां से घूमकर आए, तो उसके काफी दिनों बाद लौटते समय ही मेरी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए ये कविता और भी ऐसी हो गई कि इसे भुला पाना थोड़ा मुश्किल हो गया। सुने आप। पौने चार बजे थे, काला आसमान, ठंडी बयार, सन्नाटा था चारों ओर। पीठ पर रुकसैक, सिर ढककर कपड़े से, पांव में चप्पल डाल, दो दरवाजों को पार, जब उसके पदचाप धीरे धीरे दूर होते गए, एक आधा चांद और दो बड़े खड़े पेड़ उसे देख रहे थे। ऊपर सड़क पर जलती पीली बत्ती भी उसे शायद बोली, तुम्हारी यात्रा शुभ हो। अकेला वो उस समय क्या सोचता होगा, ये माँ का दिल तो जान न पाया, पर उसके एकाकी सफर के साथी बन माँ के दिल की कसक आंखों से निकल गाल पर लुढ़क पड़े चुपचाप सन्नाटे में। कितनी लंबी होगी यात्रा किसे पता, क्या लिखा है उसका कर्म फल जाने विधाता। इसी उधेड़ बुन से ही जिंदा है भावना, कब क्या फूल खिले इंतजार में जमाना। 15 मिनट भी नहीं कट, दरवाजे के बाहर भारी मीठी पुकार, मां बोली वो तो चला गया। मैंने पूछा भी था कोई साथी है, उसे नहीं पता, जानता तो शायद। कोई बात नहीं, हम मिल लेंगे नीचे। दूर कुत्ते भौंक रहे थे, इतने बड़े पहाड़ पर और कुछ नहीं। दो दोस्त निकल लिए। एक पिथौरागढ़ से आए थे, कुछ शाम बिताने एक साथ देखकर नाटक, उनके साथ एक कुत्ता भी हो लिया। महाप्रस्थान तो नहीं था, अकेली जान जगी थी। चारों तरफ ध्यान से देखा और भी लोग जाग रहे थे। माफ करें, कुछ गंभीरता से कर रहे थे।
पहाड़ की ढलान पर ऐसा अक्सर होता है। जब तुम नीचे देखते हो तुम्हें ऊपर से कोई देखता है। सिर उठाओ तो आंखें चार होती है, वरना नजरें नीची तो फरार होती है। आसमान की कालिख फीकी पड़ रही थी, पपीहा आकर शोर मचा गया। पहली भोर की नींद भी उसी ने चटकाई थी, नहीं तो वो सूर्योदय नहीं दिखाई देता। सॉरी, क्या नजारा था! जैसे भोला सा बच्चा आंचल की ओट से एक अधखुली आंख से देख रहा हो। अभी तो उसकी मासूमियत पर कुर्बान, दिन ज्यों चढ़ेगा यही दुष्ट ले लेगा जान। क्या गर्मी है इन दिनों गढ़वाल पहाड़ों पर, बारिश सूख कर बरसा रही गर्मी का कहर। फिर भी भोर के कुछ क्षण सुहाने होते हैं, रात भी जगमगाती अवाक दीवाने होते हैं। दोस्त को पहुंचा लौटे मनोज, माने की अपने बेटे की खोज। हाँ हाँ, साथ हो लिए हैं दोनों, पौड़ी से कोटद्वार फिर दिल्ली निकलेंगे। यहां आज हमारी भी तो अंतिम दिवा है, सोचा तो पाया बुरा नहीं, साथ अच्छा निभा है। कोटद्वार से पहली बार जब निकले पौड़ी, 1455 गाड़ी में चालक नेगी जी ने स्वागत किया और पहाड़ी घुमावदार सड़क ने भरपूर मनोरंजन दिया। 12 बंदों की टोली जिसमें 11 कलाकार और एक थी कृष्णा जिन्होंने दिया श्यामा को आकार। अमित, अर्णव, तनय, चंदन, सुदीप्त, सुरभि, साग्निक, सायन, केतु और मैं, सारी टोली सुगंधित नामों के साथ, गले में सुर और बांग्ला बोली। हम सब तो पथ के होलिए और धूल हमारी होली। सफर की यादें यूं तो सुहानी होती हैं। पहला पड़ाव था उस ढाबे पर जहां कलेवा किया, आलू के पराठे पर पिघलता मक्खन, साथ अचार, कुलबुला उठी भूख, साथ पहाड़ी मीठा व्यवहार। एक के बाद दूसरा भी लोग चट कर गए, इतनी बढ़िया सफर की याद सब रट कर गए। घुमावदार सड़क पर वो गाड़ी का सफर, सब ठीक थे, सुरभि गई विफर, गर्मी से बेहाल बेचारी, फिर पहली यात्रा सह नहीं पाई अचार पराठे की मात्रा। गाड़ी रोक उसे भिगो दिया अमित ने, उतरे सभी, सांस ली, कुछ लगे टहलने। कितनी दूर का सफर बाकी नेगी जी नहीं बताते, चढ़ बैठे फिर सब गाड़ी पर, भला उन्हें क्यों सताते। सड़कें बन रही हैं पर्वत उड़ाकर धमाकों से, इतनी चौड़ी सड़कें कि आसान ले जाना कमानों को। हरी वर्दी का पहरा, छावनी रह रहकर दिख जाते, अनकही कितनी दोस्ती दुश्मनी की कहानी लिख जाते। नीलम सी नदी नीचे कहीं लुका छिपी खेलती, हरे पेड़ों की बेहद कमी मुझे ही है खलती। ये बूढ़ा गढ़वाल हिमालय सूख सा रहा है, तकनीकी अत्याचार शायद ज्यादा ही सहा है। इसे ही क्या उन्नति कहते हैं हम, प्रकृति पर रौब गांठ दिखाते हैं दम। चुपचाप सहती जाती है माता हमारी ये बेवजह युग्मन की बीमारी। होड़ लगा दुनिया से जब होता अत्याचार, मां अकुला कर करती तभी पलटवार। बर्फ पिघला, दीवारें तोड़, दहशत विकराल, बस्तियां तहस नहस, रूप भयंकर कराल। संतुलन बिगाड़ने पर देती है चेतावनी, थम कर रह जाती है प्रगति अधबनी। ये मेरे विचार थे, सहमत हो भी सकते हैं लेकिन नहीं भी हो सकते हैं। किसी को प्रगति चाहिए होती है तो वो अंधाधुंध प्रकृति को नष्ट कर देता है, नहीं देखता। ये बहुत जरूरी है कि प्रकृति का संतुलन बना रहे।
आज का सफर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मैं चाहती तो थी कि कुछ और कविताएं पढूं, लेकिन इस खांसी ने मेरा समय ले लिया। खैर, आप लोगों से रूबरू होकर बहुत बहुत अच्छा लगा, और आप लोग खुश रहें, आप लोग इस तरह और काम करते रहें। जाते जाते चार लाइनें सुनाती दे सुना देती हूँ। नीले खुले अंबर में बादल का बसेरा है, नीले खुले अंबर में बादल का बसेरा है, कभी धूप धुली कभी हवा खुली, जैसे मन तेरा मेरा है। नमस्कार।